हाय हाय गाइस, हाउ आर यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं स्टिल एंड येट। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है कि स्टिल में और येट में क्या फर्क है, इसको हम लोग सीखेंगे। आइए मैं आपको एग्जांपल के साथ और स्ट्रक्चर वाइज इसको सिखाऊंगा। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आइए गाइस, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपको ना बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा और बहुत ही अलग तरीके से सिखाया जाएगा। थोड़ा भी स्किप कर दोगे तो आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा, पॉइंट बताए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हमें देख लेना है कि स्टील का जो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसमें ये कैसे आता है। ठीक, तो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में स्टील क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टिल। तो ये क्या हो गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्टिल है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अब स्टिल का मीनिंग क्या है, अब तक या अभी तक। ठीक, दो मीनिंग है इसके, अब तक या अभी तक। चलिए तो देखिए एग्जांपल, आई एम स्टिल एट द ऑफिस। मैं अब तक ऑफिस में हूं, आई एम स्टिल। तो देखो आपने आई सब्जेक्ट है, एम क्या है, ये एम क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, और उसके बाद क्या आ रहा है, स्टिल आ रहा है। ठीक, अब देखो दूसरी एग्जांपल, यू आर स्टिल स्टक इन द ट्रैफिक। तुम अभी तक ट्रैफिक में फंसे हो, तुम अभी तक ट्रैफिक में फंसे हुए हो। तो देखो ये आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद स्टिल आ रहा है, तो ये अफर्मेटिव का था। अब आइए दो नंबर, इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले स्टिल आ जाएगा और उसके बाद जो आपका नेगेटिव सेंटेंस है वो आएगा। ठीक, जैसे स्टिल ही इज Not still he didn't, देखो he didn't return my money। अभी तक उसने मेरा पैसा नहीं लौटाया। ठीक, ये negative sentence, उसने मेरा पैसा नहीं लौटाया, negative sentence है। अभी तक लगाना, आप स्टिल का इस्तेमाल करके करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टिल रखना होगा, स्टिल ये डिडंट रिटर्न माय मनी। जैसे आप कहना चाहते हैं अभी तक वो नहीं जाएगा, तो कैसे करोगे, स्टिल ही डिड नॉट या डिडंट वेक अप, अभी तक वो नहीं जाएगा। तो आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस में स्टिल क्या है, पहले आ रहा है। उसके बाद तीसरा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो स्टिल होगा वो कैसे होगा, ये आपको जानना है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में स्टिल क्या है, सब्जेक्ट प्लस स्टिल। ये जो आपका स्टिल है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक, जैसे एम आई स्टिल फीलिंग वीकनेस, क्या मैं अभी तक कमजोरी महसूस कर रहा हूं। जैसे आर यू स्टिल, यहां पे यू लगा दीजिए, सब्जेक्ट ये हो गया। देखिए पहले सेंटेंस में था एम आई, आई क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद स्टिल आ रहा है। ठीक, आर यू स्टिल एट द ऑफिस, क्या अभी तक तुम ऑफिस में हो, क्या अभी तक तुम ऑफिस में हो। तो देखो यहां पे यू जो है वो स्टिल से पहले आ रहा है, यू सब्जेक्ट है। स्टार्ट करिए कि इंटरोगेटिव में क्या है, स्टिल क्या है, सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक, और स्टिल का चौथा यूज क्या है, ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई पास्ड बाय अ स्टिल बॉडी, स्टिल बॉडी का ठहरी हुई, रुकी हुई, जो मरी हुई है। ठीक, या लाश, मैं एक लाश के पास से गुजरा। ओके, या मैं एक ठहरी हुई बॉडी के पास से गुजरा, तो ठहरी हुई बॉडी का मतलब क्या है, मरी हुई। जैसे आप कह रहे हो आई सॉ अ
still bird in the sky, okay, in the sky. मैंने आसमान में एक ठहरे हुए परिंदे को देखा, बाद जब गिरता है नीचे उतरता है तो क्या होता है, ठहर जाता है उसी. तो स्टिल यहाँ पे एडजेक्टिव ठहरा हुआ, ओके, तो ठहरा हुआ ये हो गया एडजेक्टिव. और स्टिल का पांचवा यूज क्या है, जब ये नाउन हो, स्टिल को नाउन के तौर पर यूज करें तो इसका मतलब होता है फोटो, ओके. जैसे आई नीड योर स्टिल, आई नीड योर स्टिल, मुझे तुम्हारी फोटो की जरूरत है, मुझे तुम्हारी फोटो चाहिए. अब देखो ये, अब आपने यहाँ पे देखा कि स्टिल या तो सेंटेंस के बीच में रखा जा रहा है या सेंटेंस के इसमें शुरू में, नेगेटिव केस में, तो इसलिए बीच में आ सकता है या शुरू में. तो इसका लोकेशन, इसका क्या है प्लेसिंग ऑर्डर क्या है, आप कहाँ रख सकते हो उसे, या तो स्टार्टिंग में जब नेगेटिव होगा, ठीक, नेगेटिव के केस में आपको इसे स्टार्टिंग में रखना है, और जब ये इंटरोगेटिव होगा या अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या रखना है, मिडिल में रखना है. तो इसके दो ही लोकेशन है, तो क्या दो ही प्लेसिंग ऑर्डर है, किसके, स्टिल के. अब येट के केस में क्या होगा, या तो आप इसे स्टार्टिंग में रख सकते हो पहला, दूसरा क्या है, या तो आप इसे लास्ट में रख सकते हो सेंटेंस के लास्ट में, लेकिन आप बीच में नहीं रख सकते हो. ये हो गया येट. तो येट का मीनिंग भी है क्या, अब तक या अभी तक, ठीक. अब देखिए ये सेंटेंस मान लो आई एम, और इसमें जैसे स्टिल के केस में क्या है, कंडीशन है कि अफर्मेटिव होगा तो ये होगा, नेगेटिव होगा तो ये होगा, इंटरोगेटिव होगा तो ये होगा. लेकिन येट के केस में क्या है, बिल्कुल भी कोई कंडीशन नहीं है. देखो जैसे आई एम स्टिल एट द ऑफिस, ओके, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, येट आई एम एट द ऑफिस, मैं अभी तक ऑफिस में हूं, ठीक. तो आपने शुरू में रख दिया. इसी चीज को अगर आप कहना चाहते हो आई एम एट द ऑफिस येट, मैं अभी तक ऑफिस में हूं, तो देखा आपने, ना इसमें अफर्मेटिव का कंडीशन है ना नेगेटिव. जैसे अगर सेंटेंस ऐसा होता येट, जैसे मानो नेगेटिव सेंटेंस है, आई एम, यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में मैंने लिखा, ठीक, के ही डिडंट, ओके, तो मान लो आई डिड नॉट, ओके, रिटर्न योर मनी येट, मैंने अभी तक आपका पैसा नहीं लौटाया, मैंने अभी तक तुम्हारा पैसा नहीं लौटाया. तो आपने क्या है स्टिल में पढ़ा कि नेगेटिव के केस में उसे येट को शुरू में, स्टिल को शुरू में रखना था. लेकिन येट के केस में देखो कि वो कहीं भी आ रहा है, चाहे शुरू में रख दो, चाहे इसको आप ये क्लास में रखो, तो यहाँ पे आप शुरू में भी रख सकते हो. ऐसे कह सकते हो येट आई डिडंट रिटर्न योर मनी, अभी तक मैंने तुम्हारा पैसा नहीं लौटाया, या आई डिडंट रिटर्न योर मनी येट, है ना जबरदस्त. तो गाइस इस वीडियो को आप देखें, ठीक है, इससे भरपूर फायदा उठाए. इस तरीके से वीडियो, सब मजेदार वीडियो आपको देते रहेंगे, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह के मजेदार वीडियो और यूजफुल वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच जाए. थैंक यू.